नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। रात के 10 बज रहे हैं और आज तक पर आप देख रहे हैं दस्तक, जहां पर हम आपके साथ मिलकर व्यवस्थाओं की कमियों को देखते हुए दस्तक देते हैं। समूची दुनिया में कोरोना से हुई मौतों के मामले में हिंदुस्तान नंबर 3 पर है, ब्राजील और अमेरिका के बाद। सरकारी जो आंकड़े हैं वो 2,80,000 मौतें बताते हैं, लेकिन इस पूरे दौरान, पूरी दूसरी लहर के समय में हमने दवाइयों की किल्लत देखी है, ऑक्सीजन के लिए मारामारी देखी है, आईसीयू बेड्स की भयंकर कमी देखी है, और इसीलिए स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के लिए दस्तक देना अब जरूरी हो गया है। क्योंकि जब देश में दूध की कमी हुई थी तब श्वेत क्रांति, उसके बाद जब अनाजों की कमी हुई तो हरित क्रांति, तो जब स्वास्थ्य व्यवस्था में ऐसी कमी देखी जा रही है तो क्यों नहीं एक क्रांति का समय फिर हो। आइए हम सबसे पहले आपको जमीनी हकीकत दिखाती ये रिपोर्ट दिखाते हैं। जब स्वास्थ्य केंद्रों के गेट पर देखकर ताला, मरीज हो जाए लाचार और इलाज की व्यवस्था की जगह दिखे गोबर के कंडों का अंबार, तो जरूरी है कि अब स्वास्थ्य क्रांति देश में लाई जाए। जब इलाज के नाम पर खोले गए हेल्थ सेंटर पर ही सरकारी दावों की जगह दिखे भूसा और खंडहर हो चुके ईंट के ढांचों को कह दिया जाए सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, तो जरूरी है कि अब स्वास्थ्य क्रांति देश में लाई जाए। जब राजधानियों से कुछ किलोमीटर दूर ही दम तोड़ने लग जाए सबके इलाज का सरकारी दावा, तो जरूरी है स्वास्थ्य क्रांति देश में लाई जाए। और जब गांवों में भारत की आत्मा बताने वाली राजनीति गांवों से ही छीन ले उनके हेल्दी एंड वेल्दी रहने का अधिकार और स्वास्थ्य केंद्रों पर मिले ऐसा बेड, तो जरूरी है कि अब स्वास्थ्य क्रांति देश में लाई जाए। इस बात को आज तक क्यों कह रहा है, इसे जानने के लिए पहले आप सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 राज्यों के 54 जिले के कलेक्टर्स के साथ बातचीत में क्या बोला। ये वायरस म्यूटेशन में, स्वरूप बदलने में माहिर है, एक प्रकार से बहुरूपिया भी है और ये वायरस धूर्त भी है, तो हमारे तरीके और स्ट्रेटेजी भी डायनेमिक होने चाहिए। धूर्त वायरस है या फिर वो व्यवस्था और व्यवस्थापक जिन्होंने जनता के महामारी के संकट में भी प्राथमिक इलाज के अधिकार पर ताला लगाकर उसके शमशान में पहुंचने का इंतजाम करवा दिया और अंतिम संस्कार में लगने वाले उपले हेल्थ सेंटर के गेट पर रखवा दिए। सफेद रंग की इमारत जहां गोबर है, गाय है, उपला है, बांस है, कचरा है, बल्ली है, बस नहीं है तो डॉक्टर, नर्स, दवाई और इलाज की इंच मात्र भी उम्मीद। कोरोना काल में जहां लोग इलाज के लिए शहर की ओर भाग रहे हैं, निजी अस्पतालों की ओर, बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों की ओर भाग रहे हैं, वैसे में अगर आपको हम ये बताएं कि एक ऐसा अस्पताल भी है, एक ऐसा स्वास्थ्य केंद्र मौजूद है जिसे बने हुए 6 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन पिछले 6 सालों में इस स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत तक नहीं हुई है, तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा एक स्वास्थ्य केंद्र मौजूद है ठीक मेरे पीछे, ये आप देख रहे हैं, ये पूर्णिया जिले के धमधाहा प्रखंड में अमारी गांव में ये अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मौजूद है। और 2010 में बताया जा रहा है कि इसका निर्माण शुरू हुआ और 2015 में ये बनकर तैयार हो गया। तो फिर क्यों ना ऐसी सरकारी धूर्तता पर ही दस्तक दी जाए जो महामारी के वक्त भी आम आदमी के लिए बने पूर्णिया के स्वास्थ्य केंद्र को निर्माण के 6 साल बाद भी नहीं खोल पाती। ये है अस्पतालों की असली हकीकत बिहार में, जहां 6 साल से एक अस्पताल तकरीबन 65 लाख की लागत से बनकर तैयार है, लेकिन 6 साल से इसका उद्घाटन नहीं हुआ है, इसे खोला नहीं गया है, जिसकी वजह से जो आसपास के इलाके में रहने वाले लोग हैं उनको दर दर भटकना पड़ता है, शहर की ओर जाना पड़ता है, पूर्णिया जाना पड़ता है, मधेपुरा जाना पड़ता है इलाज कराने के लिए। ताला जो लगा है वो भी जंग खा चुका है। सिर्फ बिहार नहीं, हिंदुस्तान के ज्यादातर गांवों में स्वास्थ्य व्यवस्था के ढांचे में ही जंग लगी है, तभी तो 22 बेड का जो अस्पताल इलाज में अब तक इस्तेमाल होना चाहिए, आरोप है राजनीतिक अदावत के अखाड़े में कूड़ा किया जा रहा है।
यहाँ की जनता और मुखिया दोनों राजद के समर्थक हैं, यहाँ विरोधी दल के एमपी हैं, विरोधी दल के विधायक हैं, उच्च वर्ग से आते हैं विधायक, और क्या कहते हैं यहाँ ये पंचायत जो पूर्णतः पिछड़ी जाति के लोग यहाँ है। संभव है कि आपको लगे कि आखिर बिहार या अन्य किसी दूसरे राज्य के दूरदराज गांव में खंडहर होते हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से दिल्ली, लखनऊ, पटना, भोपाल, इंदौर, मुंबई, जयपुर, नागपुर, पुणे की जनता पर क्या असर पड़ता है, तो इसे हम समझते हैं। देश के 6 लाख से ज्यादा गांवों में भारत की 70% आबादी रहती है। ग्रामीण जनता बीमार होती है तो उसके इलाज के लिए गांव के पास उप स्वास्थ्य केंद्र, फिर 6 उप स्वास्थ्य केंद्रों के ऊपर एक प्राथमिक हेल्थ सेंटर होता है जिसमें 4 से 6 बेड, 1 मेडिकल इंचार्ज और 14 पैरामेडिकल स्टाफ होना चाहिए। इसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आता है जिसमें 30 बेड इलाज के लिए होने चाहिए। लेकिन जब गांवों में जनता को खंडहर मिलेगा, गोबर मिलेगा इलाज के नाम पर, तो गांव के मरीज को फिर जिला चिकित्सालय या शहर के प्राइवेट अस्पताल तक आना पड़ेगा और तब पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा जाती है। हमारी बात समझने के अलावा आप इन 2 तस्वीरों को तुलना करते हुए देखिए। एक तस्वीर पिछले दिनों दिल्ली की, जब ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर अस्पताल के एक बेड तक के लिए राजधानी में लोग तरसने लगे, और दूसरी तस्वीर दिल्ली से सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर एक ग्रामीण सरकारी स्वास्थ्य केंद्र की। गांव का सेंटर सही से इलाज करेगा तो गांव के आदमी स्वस्थ होंगे, वो शहर आकर इलाज कराने के लिए मजबूर नहीं होंगे। लेकिन हकीकत भी अभी देखिए, ये हरियाली उन कुनीतियों की है जिन्हें चारा पानी खाद देती है अफसरों की अव्यवस्था, जो जनता को स्वास्थ्य केंद्र के नाम पर एक इमारत का झुंझुना देकर छोड़ देते हैं। दिल्ली से मात्र 23 किलोमीटर दूरी पर ये वैदपुरा गांव है और यही यहां का प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। इसका निर्माण हुआ था ताकि आसपास के दर्जन भर गांवों को इससे राहत मिले और लोग यहां पर स्वास्थ्य लाभ उठाएं। लेकिन जिस तरीके से कोरोना जंगल की आग की तरह गांवों में फैला है, इसकी हालात देख करके ये समझ में आता है कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा किस तरह से चरमराया हुआ है। जब सीएम आते हैं तो मेकशिफ्ट टेम्पररी कोविड शेल्टर्स बनते हैं, कोविड सेंटर्स बनते हैं, लेकिन जो पहले से हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से लगभग निस्तनाबूत स्थिति में पहुंच चुका है। हमारे जन्म से पहला ही बना हुआ है, लेकिन पिछले 3 साल से इसमें पानी भरा हुआ है। हम प्राधिकरण में भी एप्लीकेशन लगा चुके हैं, इसके लिए सीएमओ के पास जा चुके हैं, डीएम साहब के पास भी जा चुके हैं, लिखित में, राइटिंग में एप्लीकेशन लगाई है, उनके पास फोटोग्राफ्स भी दिए हैं हमने। उसके बावजूद भी इसमें आज तक यहाँ किसी अधिकारी ने आके ये निरीक्षण नहीं किया कि एप्लीकेशन लगा क्यों रहे। मौजूदा मेडिकल इमरजेंसी को करीब से देखते एक्सपर्ट्स मानते हैं कि देश में करीब 90,000 आईसीयू बेड अभी होकर भी दूसरी लहर में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। क्यों नहीं फिर इसी आपदा को स्वास्थ्य क्रांति की दस्तक का अवसर देश में दिया जाए और उन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेष ध्यान दिया जाए जहां औसत 6 बेड होते हैं। देश में अभी 30,000 ऐसे केंद्र हैं जहां डॉक्टर की कमी पूरी की जाए और ऑक्सीजन सुविधा तैयार करके दी जाए तो एक साथ देश के गांवों तक 1,80,000 ऑक्सीजन बेड तैयार हो सकते हैं। कोरोना की अगली लहर आए उससे पहले जरूरी है उन्हीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत करने पर युद्ध स्तर पर काम सरकारें करें ताकि गांव की बड़ी आबादी सुरक्षित इलाज अपने इलाके में पाए, शहर भी अपना इलाज खुद कर पाए। आप सहमत हैं तो दस्तक दीजिए आज तक के साथ। ग्रेटर नोएडा से अभिषेक आनंद के साथ रोहित कुमार सिंह, पूर्णिया आज तक। दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक बुरुंडी भी स्वास्थ्य पर भारत की अपेक्षा ज्यादा खर्च करता है। स्वास्थ्य खर्च के मामले में हम अफगानिस्तान से थोड़ा सा बेहतर है। जो हेल्थ स्पेंडिंग इंडेक्स है उसमें 158 देशों में हम 155वें नंबर पर आते हैं। आवश्यकता है कि इस स्थिति को बदला जाए, आवश्यकता ये है कि स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता बने, वरना ऐसा तो नहीं है कि कई जगहों पर अनदेखी के कारण लोग पलायन को मजबूर होने लगे। उत्तर प्रदेश का एक गांव जहां घरों पर ताले लटके हैं, काले रंग के दरवाजे पर एक ताला, हरे रंग के गेट पर दूसरा ताला, ये तीसरा, ये चौथा ताला, लोहे के गेट पर पांचवा ताला। ऐसे ताले वाले घरों के पीछे क्या कोरोना की महामारी और प्रशासन की नजरअंदाज कर देने वाली बीमारी जिम्मेदार है? तो पहले ये समझते हैं कि क्या यहाँ पर कोरोना ने
संक्रमण फैलाया और कितना। हमीरपुर के मौदाहा ब्लॉक का ये पाटनपुर गांव, पाटनपुर गांव ऐसा जिसमें कई मौतें हो चुकी, कोरोना के टेस्ट हुए नहीं हुए, रिपोर्ट आई नहीं आई, ये मायने नहीं रखता क्योंकि ज्यादातर लोगों के टेस्ट ही नहीं हुए, लेकिन जो सिम्टम्स थे वो सब लगभग वैसे ही थे, सांस फूलना, ऑक्सीजन की कमी, बुखार आना, और इन सिम्टम्स के साथ ही कई लोगों की मौतें हुई। ये मौतें हुई हैं इस गांव में, मौतें हुई हैं 40-50 मौतें हुई हैं इस गांव में, रोज का 10-5 आदमी जो है जाता आता रहा है, कोई यात्रा में जांच, कोई डॉक्टर, कोई कुछ। ऐसे ही गांव में कई लोगों की मौत के पीछे कोरोना की वजह जानने के बाद अब इन घरों को देखिए जिन पर ताला लटका है। क्या यहाँ के ग्रामीण अपने ही घर से, अपने ही गांव से कोरोना के डर से चले गए? कई घरों में ऐसे ताले लटके हुए दिख रहे हैं, कई घर ऐसे हैं इस गांव में जहां घर बंद हैं और घरों में ताले पड़े हैं। हम आपको इस गांव की तस्वीर दिखाते हैं। बहुत सारे लोग कोरोना से कह सकते हैं कि बीमार थे, और आप इस तरीके के जो घर हैं जहां पे ताले लगे हैं इसे आप देख लीजिए, क्योंकि गांव में अमूमन ताले नहीं लगते, लेकिन ये गांव ऐसा है जिसमें ताले ही ताले दिखाई दे रहे हैं। कुछ गांव वालों का मानना है कि घर के लोग कोरोना और उसके जैसे हो रही बीमारियों और मौतों से इस गांव से चले गए हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि गांव में तो अमूमन ताले नहीं लटकते हैं, लोग गांव में रहते हैं, बीमारी की भय से लोग चले गए हैं, मौतें बहुत हुई। तो कहाँ चले गए? अगल बगल के गांव में अपने नाते रिश्तेदारों के यहाँ कहीं कहीं चले गए हैं लोग, ताले बहुत लगे हैं। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये पलायन नहीं बल्कि आज तक का कैमरा देखकर गांव में तुरंत फॉगिंग कराने वाले उस प्रशासन की बदइंतजामी का परिणाम है जो अब तक यहां पर पर्याप्त टेस्टिंग करने और दवाई देने तक नहीं पहुंचा। अस्पताल में भी जाते थे तो सरकारी अस्पताल में तो कोई वही नहीं करता, प्राइवेट में एक डॉक्टर मौदा में हामिद हैं और एक निरंकारी हॉस्पिटल है और देश डॉक्टर, उन्हीं के यहाँ जाते रहे, उनके यहाँ इलाज कम से कम बुखार का इलाज 10,000 रुपए का था दोनों। यही सच्चाई एक गांव नहीं बल्कि देश के ज्यादातर गांवों की है जो स्थानीय स्तर पर इलाज न मिलने पर शहर के प्राइवेट अस्पतालों के भरोसे महंगे इलाज को लाचार होते हैं या फिर इलाज के लिए ईश्वर की मान मनौती पूजा पाठ से अपनी जिंदगी का सुरक्षा कवच बनाने लगते हैं। कुछ भगवान की आराधना करी जाए उससे शांति मिल जाएगी, तो ऐसा हुआ भी, भगवान की आराधना भी हुई सामूहिक गाँव की और आराम भी लोगों को बहुत उस दरमियान से बहुत ही कम मौतें हुई हैं। तो क्या यहाँ लोगों ने पूजा पाठ भी शुरू किया? पूजा पाठ करवाया था हनुमान जी के मंदिर में। अच्छा। और दिव्य पूजा करी गई थी और गांव के सभी देवताओं में जा करके खप्पर निकाला गया था ये महामारी के प्रकोप से बचने के लिए, तो उस दिन से तो काफी राहत है। ऐसी नौबत देश के लगभग हर राज्य में क्यों आती है? जैसे ये मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री के जिले रायसेन का सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है, छातौर में बाएं घूमते कैमरे के साथ आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नाम पर खड़ी इस इमारत को देखिए और यहाँ पर इस कबाड़ हो चुके बेड को देखकर समझ लीजिए क्या हालत होगी यहाँ पर आम आदमी को इलाज पाने के लिए। ऐसा क्यों है? लोग उधर पूरा जाते हैं सर, 15 किलोमीटर दूर है यहाँ से। आपने डॉक्टर कितने दिनों से नहीं देखा यहाँ? सर लगभग 3-4 साल हो गए सर, जब से नहीं देखा। सच्चाई यही है कि डॉक्टरों की भर्ती ही सरकारें नहीं करती तो हालत क्या होती है। उत्तर प्रदेश में 61,000 लोगों की आबादी पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और उसी PHC में 54,970 लोगों का इलाज करने के लिए एक डॉक्टर। मध्य प्रदेश में 49,800 लोगों की आबादी पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और 56,712 लोगों का इलाज करने के लिए एक डॉक्टर। बिहार में 62,000 से ज्यादा लोगों की आबादी पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और 51,409 लोगों का इलाज करने के लिए एक डॉक्टर। राजस्थान में 27,691 लोगों की आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और 30,000 ग्रामीणों का इलाज करने के लिए एक डॉक्टर मिल पाता है। देश में हर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को पता है कि डॉक्टरों की कमी है और इसीलिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर ताले लटके रहते हैं। तो क्या डॉक्टरों की इस कमी को पूरा नहीं किया जा सकता? देश में अभी ऐसे 50,000 से ज्यादा डॉक्टर हैं जो विदेश में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की मान्यता प्राप्त कई यूनिवर्सिटीज से डिग्री लेकर आए और अभी घर पर हैं। ये वो डॉक्टर हैं जो खुद कहते हैं कि इन्हें मौका दीजिए, ये देश के लिए काम करना चाहते हैं। ऐसे ही डॉक्टर्स से बात की है संवाददाता संजय शर्मा ने। मैं एक फॉरेन ग्रेजुएटेड मेडिकल ऑफिसर हूँ, मैं WHO
एमसीआई और एनएमसी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से डिग्री हासिल कर चुका हूँ। मेरे जैसे कई मोर देन 60,000 60,000 से ज़्यादा ऐसे डॉक्टर्स हैं जो आज घरों में कैद हुए बैठे हैं। हम सब चाहते हैं कि अभी हम आए, और क्योंकि अभी कोरोना का वक्त चल रहा है और हमारी सख्त जरूरत है अभी। यानी डॉक्टर्स भी देश में हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर का ढांचा भी है, बस जरूरत है कि सरकारें अब अपनी इच्छा शक्ति पूरी तरह दिखाएं उस स्वास्थ्य क्रांति के लिए जिससे देश के हर नागरिक को वाकई संविधान से सुरक्षित जीवन जीने का अधिकार मिल पाए। किसी महामारी में बेड, ऑक्सीजन, दवाई और इंजेक्शन की किल्लत में जान तो ना गंवानी पड़े। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, हमीरपुर आज तक। तीन सदस्यों की जो सरकारी कमेटी है उसने अनुमान लगाकर यह बताया है कि जुलाई 2021 यानी अगले डेढ़ महीने में कोरोना की ये जो दूसरी लहर है वो खत्म हो सकती है, लेकिन इसके साथ ही उसने ये भी चेताया है कि 6 महीने में यानी लगभग अक्टूबर तक तीसरी लहर के आने की आशंका है। यानी कि वैक्सीन ही इकलौता उपाय है, लेकिन ऐसे में अब उन गांवों के बारे में भी हमें सोचना होगा जहां पर वैक्सीन को लेकर तमाम तरह के भ्रम फैल चुके हैं। मेरा जवान मर गए, मैं चिंता नहीं कर रहा। कई लोगों को बुखार आया, कई लोग बीमार हुए, तो वैक्सीन से मेरे साथ कुछ सही नहीं रहेगा। काढ़ा पी रहा है, योगा कर रहा है, कोई से मिल जुल नहीं रहा है। कहीं पर वैक्सीन को लेकर भ्रम के शिकार लोग बहस कर रहे हैं, कहीं पर घर में बेटे की मौत की वजह ना जानने के बावजूद ग्रामीण वैक्सीन को जिम्मेदार बताकर टीका लगवाने से बचते हैं। टीका लगाया? नहीं, मेरा बेटा जवान मर गए, मैं टीका नहीं लगाऊं। नहीं तो कैसे मर गया बेटा? अरे सूजी लगाई, क्या करूं सूजी। और कहीं पर बुजुर्ग महिलाएं वैक्सीन लगवाने के नाम पर हाथ जोड़ ले रही हैं। देश में जब अगले 6 महीने के भीतर तीसरी लहर की आशंका वैज्ञानिक जताते हैं, जब दुनिया भर में ये बहस चल रही है कि क्या तीसरी लहर कोरोना की बच्चों के जीवन पर संकट ला सकती है, तब भोपाल से बालाघाट तक और महाराष्ट्र के चंद्रपुर तक आज तक संवाददाताओं की टीम ने उन गाँवों में जाकर ये समझने की कोशिश की क्या वाकई गलत जानकारी का शिकार होकर भ्रम के साए में लोग वैक्सीन लगवाने से बच रहे हैं। गांव का बोर्ड नाम रातिबर्ड और इस बोर्ड को देख रहे हैं संवाददाता रवीश पाल सिंह, जो गांव के भीतर दाखिल होते हैं। कोरोना से नहीं, क्या वैक्सीन से लोग गलत कारणों से डरते हैं? 62 साल के सरोज शर्मा का वो डर सुनिए जिसका कारण उन्हें भी नहीं पता। कहीं ना कहीं शुरू से मेरे मन में यही रहा है कि वैक्सीन से मेरे साथ कुछ सही नहीं रहेगा, तो इस चक्कर में मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई। भोपाल से चंद किलोमीटर की दूरी पर मौजूद गांव की ये हालत है, तो दूर दराज ग्रामीण इलाकों की सोचिएगा। बालाघाट जिला मुख्यालय से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है पाथरवाड़ा, आबादी करीब 4,000 लोगों की, लेकिन इस गांव में शासन की टीम जितनी तेजी से वैक्सीन नहीं पहुंचा पा रही, उससे ज्यादा तेज वैक्सीन को लेकर अफवाह पहुँच गयी। कई लोगों को बुखार आया, कई लोग बीमार भी, उससे अच्छा वाला शरीर को बीमार करना चाहेगा, इसलिए नहीं लगाया। टीका के नाम से बहुत ज्यादा डर है गांव में। इस डर की वजह आप दस्तक दीजिए, क्योंकि आपकी दस्तक से ही सरकारों की नींद टूटती है, जैसा कि उत्तर प्रदेश के मामले में हुआ। जो कोरोना पीड़ित जिन टीचर्स की मौत हुई, अब उनके जो परिजन हैं उन्हें सरकार मुआवजा देगी और उनके जो आश्रित हैं उन्हें नौकरी दी जाएगी। चुनाव ड्यूटी के दौरान 1621 की नहीं, केवल 3 शिक्षकों की मृत्यु। खंड शिक्षा अधिकारियों से, शिक्षक संघ से रिपोर्ट ली है, जिसके माध्यम से मुझे 8 टीचरों का पता मेरे संज्ञान में आया है। 32 लोगों का निधन की सूचना थी। 8 टीचर कोरोना पॉजिटिव सस्पेंड किए। ये आज तक की दस्तक है कि अब उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के दौरान संक्रमित होने के बाद
जान गंवाने वाले शिक्षकों की आर्थिक मदद और उनका हक सरकार देगी। 19 मई को प्रमुखता से आज तक ने अपने शो दस्तक में ये मुद्दा उठाया और बताया किस तरह पंचायत चुनाव में संक्रमण के बाद जान गंवाने वाले शिक्षकों का आंकड़ा 1621 शिक्षक संघ ने बताया, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग पंचायत चुनाव के दौरान सिर्फ 3 टीचर की मौत ही मान रहा था। किस मृत्यु को चुनाव ड्यूटी के दौरान का मृत्यु माना जाएगा, इसके लिए एक निर्धारित गाइडलाइन है, उसके अनुसार वो तय होता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारियों से जो सूचना एकत्र की है उसके आधार पर 3 शिक्षक हमारे ऐसे रहे हैं जिनकी चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु हुई है। दरअसल बेसिक शिक्षा विभाग अब तक उत्तर प्रदेश का निर्वाचन आयोग की उस गाइडलाइंस का हवाला दे रहा था जिसके मुताबिक सिर्फ चुनाव कराने घर से निकलने से लेकर चुनाव करा के वापस घर लौटने के दौरान मृत्यु होने पर ही आर्थिक मदद दी जाती है, जबकि इस बार पंचायत चुनाव के दौरान ही कोरोना संक्रमित होकर लौटे 1600 से ज्यादा शिक्षकों की दावा है मृत्यु हुई, इसीलिए इन परिवारों की आवाज आज तक ने उठाई। आखिरकार आज तक की खबर का असर हुआ है। पंचायत चुनाव के दौरान जिन शिक्षकों की ड्यूटी के बाद मौत हुई है अब उन्हें भी सरकार मुआवजा देने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि वो नए गाइडलाइन के लिए चुनाव आयोग से बात करें और उस आधार पर जितने भी शिक्षकों की मौत हुई है अब उनके परिवार को सहायता राशि, मुआवजा इत्यादि दी जा सके, ऐसी नई व्यवस्था तय की जाए। ये उन शिक्षकों के हक की दस्तक है जिन्होंने ईमानदारी से पंचायत चुनाव में अपना कर्तव्य निभाया है। इस दस्तक को उत्तर प्रदेश की सरकार ने सुना और बड़े बदलाव का फैसला लिया। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। आप देख रहे हैं दस्तक, मैं हूं श्वेता सिंह और दस्तक के इस हिस्से में हम बात करेंगे ताउते तूफान के बाद से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है एक जहाज के लिए उसके बारे में। बार्ज P305, बार्ज एक ऐसा जहाज होता है जो लंबा और संकरा होता है जिसे माल लादने के लिए या फिर लोगों को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डूब रहा था तो कूदना ही पड़ेगा, 1 घंटे समंदर के पानी में रहा हूँ। इसके बाद में नेवी वालों ने आके मेरे हम लोगों को बचाया है। जब बीच समंदर में अमित जैसे सैकड़ों लोगों को साक्षात मौत दिख रही थी तब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले ताउते से भिड़कर अंधेरे में जिंदगी खोज लाई भारतीय नौसेना। लेकिन आरोप है कि जहाज के जिस कैप्टन को ये काम करना चाहिए था वो मुश्किल वक्त में पीठ दिखाकर भाग गया। सडनली जब विंड स्पीड इंक्रीज हुआ मोर देन 100, इनका सारे एंकर टूट गया वहां से। वेसल जाके हिट किया एक अनमैन प्लेटफॉर्म को और बड़ा होल हो गया। फिर कंटेनर उड़े, काफी लोग को छोड़े और कैप्टन वेसल से एस्केप हो गए थे। अभी वेसल छोड़ दिए। बहुत बहुत धन्यवाद वो लोग को, उन लोग के लिए तो आज हम जिंदा है, नहीं तो कोई नहीं बचता। जब समंदर की लहरें जिंदगी को निकलने के लिए बेताब हो रही थी, जब ऊंची ऊंची लहरों पर कई जिंदगियां छटपटा रही थी, तब नेवी के जवान देवदूत बनकर अभय जैसों को नई जिंदगी देने के लिए पहुंच गए। लेकिन आरोप है कि जहाज के कैप्टन और कंपनी दोनों ने तूफान की अनदेखी की जिसने 263 लोगों की जान को मुश्किल में डाल दिया। कैप्टन गॉडफादर वेसल के लिए, उनको डिसीजन लेना चाहिए तुरंत, ऑनर बोलने दो, कोई भी आने दो उसके अंदर, उनको जान बचाने के इतना 300 लोगों का। सर अपना बचाव करने के लिए हम लोग इधर उधर भाग रहे थे, भटक रहे थे सर, कि कोई बचाओ, हम लोग बचाओ बचाओ का चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ का गुहार लगा रहे थे कि बचाओ हमको बचाओ हमको। कितने घंटा आपका संघर्ष चला? फिर सर हम लोग 17 तारीख को शाम को 5 बजे कूदे हैं पानी में और रात में 12 बजे हम लोग को रेस्क्यू किया हमारे नेवी वालों ने, इनका मैं बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद देना चाहता हूँ। दावा है कि जब मौत को देखकर जहाज का कैप्टन साथ छोड़ गया
तब भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड के जवानों ने लोगों को बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। लेकिन आरोप है कि जहाज पर फंसे लोगों ने जब लाइफ राफ्ट्स निकाले तो वो पंचर निकले। हेमंत सिंह जी ने मेरे को बोला, मैंने जब ऊपर आया देखा कैप्टन जम कर गए वेसल से और सारे लोग चिल्ला रहे थे वेसल के ऊपर, तो उन्होंने एक एक करके जब नेवी आए सबको निकाले वहां से, जितने भी लोग थे सबको लाइफ जैकेट पहनाए, सबको निकाले। फिर उन्होंने लाइफ रफ को ओपन करने के लिए कोशिश की, 7-8 लाइफ रफ पंचर थे, डैमेज थे ऑलरेडी इनसाइड। ताउते तूफान में जो चार जहाज फंसे उसमें बार्ज P-305 जहाज डूब गया और जान बचाने के लिए समंदर में लोगों को छलांग लगानी पड़ी। लेकिन सवाल यह है कि जब ताउते तूफान को लेकर लगातार चेतावनी जारी की जा रही थी, समंदर में न जाने की हिदायत दी जा रही थी, तब बार्ज P-305 जहाज को समय रहते वापस क्यों नहीं बुला लिया गया? ये वो सवाल है जिसने एक साथ जहाज के कैप्टन से लेकर उस कंपनी को कटघरे में खड़ा कर दिया है जिसके लिए बार्ज P-305 पर सवार 263 लोग काम कर रहे थे। आखिर ऐसा क्यों हुआ? जब इसे लेकर आज तक ने अपनी पड़ताल शुरू की तो हमारे संवाददाता पंकज उपाध्याय ने बार्ज P-305 के चीफ इंजीनियर रहमान शेख को ढूंढ निकाला, जो न सिर्फ इस पूरी घटना के चश्मदीद हैं, बल्कि आखिर तक अपने साथियों के साथ भी रहे। रहमान शेख के भाई ने आज तक से बातचीत में ये आरोप लगाया कि तूफान की चेतावनी को जहाज के कैप्टन से लेकर जहाज की मालिकाना कंपनी ने नजरअंदाज किया और आखिर में जब हालात बिगड़ गए तो जहाज का कैप्टन भाग निकला। मैंने उनसे पूछा है कि आप लोग जब आपको वार्निंग मिला है वेदर रिपोर्ट, आप पुल आउट क्यों नहीं किए वहाँ से? सारे वेसल तो आ गए थे इधर शेल्टर में, आप क्यों नहीं आए? तो रहमान भाई ने बोले, मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कैप्टन को कि कैप्टन साहब यहाँ से पुल आउट करो, सेफ नहीं है, विंड स्पीड गोइंग टू इंक्रीज। तो कैप्टन ने बोले, नहीं नहीं नहीं, इट विल नॉट बी हैपन, विंड स्पीड 40 के ऊपर नहीं जाएगा, नॉर्मल होएगा सब कुछ, टेंशन मत लो। तो सडनली जब विंड स्पीड इंक्रीज हुआ मोर देन 100, इनका सारे एंकर टूट गया वहाँ से, वेसल जाके हिट किया एक अनमैन प्लेटफॉर्म को और बड़ा होल हो गया। तो रहमान साहब और इनका टेक्निकल टीम वहाँ लगे हुए थे पंप आउट करने के चक्कर में, पानी पंप आउट करने के चक्कर में, फिर कंटेनर उड़े, काफी लोगों को छोड़े और कैप्टन वेसल से एस्केप हो गए थे, वेसल छोड़ दिए। तो जिस कैप्टन पर जहाज की जिम्मेदारी थी, दावा है कि उसने न सिर्फ तूफान की अनदेखी की बल्कि वो अपने साथियों को मरने के लिए छोड़कर भाग गया। ये इल्जाम बार्ज P-305 के चीफ इंजीनियर ने भी अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए दोहराए हैं। क्यों नहीं लिखा भाई? ब्रदर तब क्यों नहीं किया? कैप्टन ने बोला 40 नॉट के ऊपर विंड जाएगा नहीं, 11 बजे शुरू होगा, 12 बजे खत्म हो जाएगा। तो कैप्टन को सिलेक्ट कौन किया था? एक बार तो किया होगा, ऑफिस किया होगा, ऑफिस किया ना। बार्ज P-305 मुंबई से 72 किलोमीटर दूर हीरा ऑयल फील्ड्स में खड़ा था 16 मई की रात को। जब तूफान आया तो सबसे पहले इसके सभी 12 लंगर टूट गए जिससे जहाज डामाडोल होने लगा और टक्कर से उसमें छेद हो गया। 17 मई की दोपहर तक बार्ज में पानी भरना शुरू हो गया। इस कारण जहाज पर मौजूद 260 से ज्यादा लोगों की जान बचाने के लिए उन्हें पानी में कूदना पड़ा और 17 मई की शाम 5 बजे ये जहाज समंदर में पूरी तरह से डूब गया। इस कैलकुलेशन कैप्टन के ऊपर दबाव था, क्या था? कैप्टन गॉडफादर वेसल के लिए, उनको डिसीजन लेना चाहिए तुरंत, ऑनर बोलने दो, कोई भी आने दो उसके अंदर, उनको जान बचाने के इतना 300 लोगों का, उनको डिसीजन लेके वेसल को वहां से एस्केप करना ही है, पुल आउट करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया क्योंकि क्लाइंट रैप थे वहां पे, कैप्टन थे वहां पे और कंटिन्यू कम्युनिकेशन पे थे ऑनर के साथ में, तो ऑनर के तरफ से भी कोई दबाव नहीं था कि वेसल निकालो। और ONGC क्यों परमिट किया उनको? 15 महीने के बाद तो नॉर्मली परमिट नहीं करते काम के लिए, तो ONGC में इनको क्यों वार्निंग नहीं दिया कि तुम वेसल यहाँ से निकालो? ये सब लोग इन्वॉल्व है इसमें, इसका रिस्पॉन्सिबल सब लोग है। तो जिस जहाज में 263 लोग सवार थे, नौसेना ने जिससे 188 लोगों को बचाने में कामयाबी पाई, लेकिन क्या
कंपनी और कैप्टन की लापरवाही के चलते इस जहाज पर सवार 37 लोग मारे गए और 38 लोग लापता हो गए। इंडियन नेवी का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। एनएस कोचि ने अगर नहीं गए होते तो हम 85-90% पीपल सेफ नहीं बचते नहीं कोई। बचते नहीं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया एनएस कोचि का, नेवी का। लेकिन दावा है कि जो 37 लोग मरे या फिर जिन 38 लोगों का पता नहीं चल पाया उनमें से कई लोगों को बचाया जा सकता था, क्योंकि P-305 के चीफ इंजीनियर के भाई ने आज तक को बातचीत में बताया कि जब जहाज के अंदर पानी भरने लगा तो बचने के लिए लाइफ राफ्ट्स की मदद लेने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें से 14 पंचर निकले, इस वजह से सिर्फ 2 को ही लॉन्च किया जा सका। हेमंत सिंह जी ने मेरे को बोला, मैंने जब ऊपर आया देखा कैप्टन जम कर गए वेसल से और सारे लोग चिल्ला रहे थे वेसल के ऊपर, तो उन्होंने एक एक करके जब नेवी आए सबको निकाले वहाँ से, जितने भी लोग थे सबको लाइफ जैकेट पहनाए, सबको निकाले, फिर उन्होंने लाइफ रफ को ओपन करने के लिए कोशिश की। 7-8 लाइफ रफ पंचर थे, डैमेज थे ऑलरेडी इनसाइड। ये भी बड़ी बात है, वो पंचर थे ये भी उन्होंने बात कही आपसे। जांच का विषय है, ये तो जांच होना चाहिए इसके लिए, शिपिंग मिनिस्टर इसके पीछे लगना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। इस तरह आपने देखा कि कैसे बार्ज P-305 के चीफ इंजीनियर रहमान शेख और उनके भाई आलम शेख ने दावा किया कि कंपनी और कैप्टन ताऊते तूफान की चेतावनियों को नजरअंदाज किया। जब जहाज तूफान में घिरने लगा तो कैप्टन भाग निकला, यही नहीं जब जहाज पर सवार लोगों ने बचने के लिए लाइफ राफ्ट निकाली तो उसमें 14 पंचर निकले, यानी चौतरफा लापरवाही बरती गई जिसने इतने बड़े हादसे को अंजाम दिया। बार्ज P-305 जहाज डूब गया जिसने जहाज पर सवार 263 लोगों की जिंदगियों को मौत के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक। तो सीधे तौर पर हम अगर ये सारे आरोप सुने तो ये समझ में आता है कि ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा के कारण नहीं हुआ। चीफ इंजीनियर सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि जो जहाज का कैप्टन है वो जिम्मेदार है, जो जहाज की कंपनी है वो जिम्मेदार है, जो पीड़ित परिजन हैं उन्हें अभी भी सही तरीके से जानकारियां नहीं दी जा रही हैं। लेकिन इसके साथ ही राजनीति भी खूब शुरू हो गई है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता सचिन सावंत ने इस्तीफा मांगा है केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का। सर बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी, बहुत तूफान था, ऊंचे-ऊंचे लहरी थे, बहुत ऊंचे-ऊंचे लहरी। बहुत नेवी ने, मैं तो नेवी को सैल्यूट करता हूँ सर, उन्होंने हमारी जान बचाई बहुत जोखिम में, अपना मतलब अपना सब कुछ ये निछावर करके सर उन्होंने हमारी जान बचाई है। भारतीय नौसेना को तूफान से जिंदगी बचा कर लाने का श्रेय दिया जा रहा है जिसकी नेवी समेत इस काम में लगी हर एजेंसी पूरी हकदार है, लेकिन उस कंपनी का क्या जिसका जहाज था, जिसके लिए बार्ज P-305 पर 263 लोग काम कर रहे थे, उसने इन लोगों को समय रहते आखिर वापस क्यों नहीं बुलाया? सब ये कह रहे हैं कि उस समय ऐसा काम नहीं चलना चाहिए था, काम बंद कर देना चाहिए, फिर भी काम चालू रहा। हाँ सर, कुछ कहेंगे आप? अब सर उसमें मैं क्या बता सकता हूँ, साहब लोग की बात मैं क्या बता सकता हूँ, उसमें मैं कोई नहीं। काम उस समय जारी नहीं था, काम बंद हो गया था, हम लोग बारिश पे थे, सब लोग शिफ्ट थे। सुना, तूफान आया तब जाकर काम बंद हुआ, उससे पहले शायद ये लोग पूरी तरह से बेखबर थे कि मौत के रूप में तूफान उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। और वार्निंग नहीं थी तूफान की आप लोगों को? हम नीचे हैं, ऑफिसर ने क्या डिसीजन लिया इतना आइडिया नहीं हमको। तूफान आ रहा, ये लोग इससे बेखबर थे, तो क्या इस जहाज की कंपनी भी इस बात को नहीं जानती थी? अगर जानती थी तो फिर उसने क्यों समय रहते जहाज को वापस नहीं बुलाया? इन सवालों पर बार्ज P-305 की कंपनी एफकॉन ने एक बयान जारी किया है। ताऊते तूफान के खतरे को देखते हुए 14 मार्च 2021 को कंपनी ने अपने सभी जहाजों को सुरक्षित जगह जाने की हिदायत दे दी थी। ये संदेश बार्ज P-305 के लिए भी था, बाकी जहाज तो वापस मुंबई के तट पर लौट आए, लेकिन बार्ज P-305 नहीं लौटा और वो जहाँ काम कर रहा था वहीं रह गया, जो तूफान की जगह से 120 नॉटिकल माइल्स दूर था। ताऊते तूफान के 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आने की संभावना थी, लेकिन दुर्भाग्य से 16 मई को हालात खराब हो गए। लेकिन सवाल यह है कि जब ताऊते तूफान केरल, कर्नाटक और गोवा में बुरी तरह से तबाही मचा रहा था, तब कंपनी ने कैसे मान लिया कि वो मुंबई आकर शांत हो जाएगा? कैप्टन एंड चीफ इंजीनियर, दे शुड बी रिस्पांसिबल फॉर द
सेव ऑल द पीपल एंड व्हाई ओनर एंड अदर पीपल पुट द प्रेशर ऑन द कैप्टन एंड डोंट मूव द वेसल तो दे आर ट्राइंग टू पर्पसली डू दिस वन दे डू द पर्पसली दिस वन लेकिन मामला सिर्फ इतना भर नहीं है जहाज की कंपनी पर पीड़ित परिवारों का यह भी आरोप है कि वो अपने कर्मचारियों के बारे में पीड़ित परिवारों को जानकारी नहीं दे रही आलम शेख दावा करते हैं कि उन्हें भी नहीं बताया गया कि उनके भाई जिंदा हैं और उनका इलाज मुंबई के ही अस्पताल में हो रहा है बल्कि जब तूफान में जहाज फंसने की खबर आई तो उन्हें ये बताया गया कि जहाज में जो छेद था वो ठीक हो गया है मैंने इमीडिएट फोन किया ना उनको ओनर को फोन किया पुल आउट करो नहीं वैसा जो होल था होल ठीक हो गया अभी नहीं है प्रॉब्लम नहीं है आपसे बोला गया कि रेक्टिफाई कर लिया मेरा बस रिकॉर्डिंग एविडेंस है उसका मैंने दिया न्यूज़ चैनल को कि आपने ऐसा बोला मेरे को और आधा घंटे के बाद से बात हुई थी एग्जैक्टली आपकी प्रमन नायक कौन क्या पोजीशन ओनर है ओनर इन्हीं सवालों ने इस मामले को राजनीतिक रंग भी दे दिया है बार्ज P305 के हादसे को लेकर दिल्ली से महाराष्ट्र तक सियासी लहरें उठ रही हैं महाराष्ट्र कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने सीधे सीधे पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है तो नवाब मलिक केंद्र को घेर रहे हैं डिस्पाइट दिस अलर्ट बाय स्टेट एंड IMD ONGC हैज नेग्लेक्टेड द अलर्ट द 600 वर्कर्स लाइफ वेयर इन डेंजर दे वेयर नॉट शिफ्टेड टू द सेफर प्लेस एंड ड्यू टू दैट वन ऑफ द बाज हैज बीन ड्रॉन 37 पीपल लॉस्ट देयर लाइफ More than 40 people are still missing. Hundreds of workers were fighting in a rough sea for their lives. The responsibility should be fixed. अरब सागर में ONGC के ऑयल रिंग के पास बाज P305 काम कर रहा था जिसे लेकर विपक्ष केंद्र को इससे जोड़ रहा है मुंबई पुलिस ने तो इसे लेकर जांच भी शुरू कर दी है हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर तूफान प्रभावित सभी राज्यों के संपर्क में होने की बात कहकर इस विवाद को थामने की कोशिश की लेकिन बार्ज P305 के ताजा विवाद से दोनों सरकारों में फिर ठन सकती है लेकिन इस सारे विवाद एकमात्र याद रखने लायक बात भारतीय नौसेना की वो बहादुरी है जिसने उसकी प्रतिष्ठा में चार चांद लगा दिए हैं स्पेशली रात की जो कंडीशन थी कि उनको न कुछ विजिबल क्यू था न कुछ कर सकते थे खाली पानी में फ्लोट और स्विमिंग ही कर पा रहे थे अदर देन सी वाटर उनके पास कुछ नहीं था उनका डिहाइड्रेशन भी शुरू हो गया था बंदों की बोलने की कंडीशन कुछ भी नहीं थी जब हमने उनको रिकवर किया तो उनकी मनोदशा से ही अंदाजा लग रहा था कि वे मतलब बहुत खुश थे और उनको ऐसा लग रहा था कि शायद उनको दूसरी जिंदगी मिलती हो तो हमने क्या डिसाइड किया था जो बंदे सबसे दूर गए हैं सबसे पहले उनको पिकअप किया जाए ताकि जो और बंदे विजिबल नहीं है शिप को उनका भी मोरल बढ़े और ज्यादा से ज्यादा बंदों की जान बचाई जा सके भारत में जब भी कोई आपदा आती है तो सेना के तीनों अंग बढ़ चढ़कर अपना फर्ज पूरा करते हैं लेकिन ताऊते तूफान में डूबा बार्ज P305 किसकी लापरवाही से हादसे का शिकार हुआ उसे क्यों तूफान के बीच छोड़ दिया गया इसका सच सारा देश जानना चाहता है ताकि आगे ऐसा फिर कभी न हो पंकज उपाध्याय मुंबई आज तक रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि ताऊते तूफान का देश के बाकी इलाकों में क्या रहा है साइड इफेक्ट आप देखते रहिए दस्तक